Welcome learners to Gate Notebook channel. So today we will discuss about the very important topic, that is how to use virtual calculator for Gate and which shortcut tricks. Yes. So subscribe our Gate Notebook YouTube channel. अगर आपने अभी तक हमारी Gate Notebook YouTube channel को subscribe नहीं किया है तो बहुत ही बुरा किया है. तो जल्दी से subscribe कर लीजिए ताकि आने वाले videos की notifications आप तक पहुँचे. और अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अनअकैडमी के इस कोड से मिलता है डिस्काउंट, दैट इज हेलो सोनू 01, और SRPs भी मिलती है जो सिर्फ मेरे द्वारा है. वर्चुअल कैलकुलेटर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जानते हैं कि गेट एग्ज़ाम ज़रूरी है. और गेट एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गेट एग्ज़ाम जो क्वालिफाई कर लेता है उनको IISc, IITs, NITs में पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमटेक करने का मौका मिलता है. और आप तो जानते ही हैं कि एमटेक करो तो यार आईआईटी से करो, क्योंकि आईआईटी से एमटेक करने का मज़ा ही कुछ और होता है, आईआईएससी से एमटेक करने का मज़ा ही कुछ और होता है. और अगर वो दोनों नहीं मिलती तो एनआईटीज भी मिल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है. बट एनआईटी से नीचे मत जाना, क्योंकि अगर उसके नीचे जाकर के एमटेक कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है बॉस, राइट? तो गेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको. और गेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कोई फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है एग्जामिनेशन हॉल में, आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है. और वर्चुअल कैलकुलेटर अगर यूज़ नहीं करना आता है तो फिर तो आप गए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? इसीलिए सारे कैंडिडेट्स को वर्चुअल कैलकुलेटर आना ही चाहिए, और उसकी अच्छी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं. उनको याद करना पड़ता है कि लॉग वाले क्वेश्चन है तो लॉग कैसे निकालना होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता, ठीक है? तो उसको पूरा अच्छे से समझेंगे. तो ये रहा आपका वर्चुअल कैलकुलेटर. अब आप बोलोगे मैडम हमें कैसे मिलेगा ये वर्चुअल कैलकुलेटर? तो ये आप ना इस लिंक पर जाओ, इसको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है. इस लिंक पर जा करके वीडियो के साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाना और कैलकुलेट करते जाना, और आपकी देखना प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फुल प्रैक्टिस इस वीडियो के ख़त्म होते होते, अगर साथ में कैलकुलेटर लेकर के बैठ रहे हो तो. नहीं लेके बैठोगे, आलसी हो तो छोड़ दो इस वीडियो को. आलसी लोगों के लिए वीडियो नहीं है, कैलकुलेटर लेकर के बैठना है और जो मैं बता रही हूँ उसको करना है, ठीक है? मेरे साथ साथ करना होगा आपको. और अगर इस लिंक पे जाकर के काम नहीं बन रहा है आपका, तो फिर आप प्ले स्टोर से गेट कैलकुलेटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. और फिर ये जब कैलकुलेटर डाउनलोड हो जाएगा ना, तो फिर आगे की वीडियो को देखिएगा. तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है क्लियर ऑल द इनपुट ऑप्शन. तो ऐसा करती हूँ ना कि मैं भी इस लिंक पे चली जाती हूँ और साथ साथ आपको करके बताती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है ना. हम तो भाई प्रैक्टिकल वाले बंदे हैं, हमें तो समझ आती है कि चीज़ें प्रैक्टिकली हमें बताया जाए कि न्यूमेरिकली कैसे हो रही है. प्रैक्टिकली हमने यहाँ पर लिंक पे गए और हमने तो कैलकुलेटर खोल लिया. आलसी लोग हैं आप लोग तो आप भी कैलकुलेटर खोल लीजिए, आलस छोड़ दीजिए. अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा 96. देखो यहाँ पे ना आपको इन्हीं का कीबोर्ड यूज़ करना होता है, अपना कीबोर्ड यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है? ये ध्यान में रखना. अब मैंने 96 प्लस डिवाइड जो भी है यूज़ किया. अब मैं चाहती हूँ ना कि यहाँ पे इक्वल टू करके कुछ आया, जब मैंने 96 को 66 को डिवाइड किया इस तरीके से. आई वॉन्ट टू क्लियर ऑल द इनपुट, ठीक है? सब कुछ मिटा देना चाहती हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे सी बटन का यूज़ होता है, दैट इज़ क्लियर ऑल द इनपुट बटन, राइट? तो क्लियर ऑल द इनपुट का काम होता है सी ऑप्शन का. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? तो नेक्स्ट ऑप्शन है बैक स्पेस का, जो लास्ट एंटर्ड डिजिट को डिलीट करती है. अब देखो कैसे होगा काम, अब देखो कैसे काम होगा. यहाँ पर गए और यहाँ पे मैंने 96 को डिवाइड किया चलो 3 से, तो ये देगा हमको 32. जब मैंने बैक स्पेस को क्लिक किया तो क्या हो रहा है? बैक स्पेस को क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, अभी होगा भी नहीं. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब मैं इसको क्लियर करूँगी और जब मैं 96 सिर्फ लिख रही हूँ तब बैक स्पेस कर रही हूँ, तो देखो जो लास्ट मैंने 6 डिजिट को एंटर किया था वो डिलीट हो गई है, फिर 9 भी डिलीट हो जाएगी. सी है ना, वैसे 8 9 6 3 8 6 3, लास्ट एंटर्ड कौन है? 3 है. एक बैक स्पेस को क्लिक करूँगी तो 3 चला जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड बैक स्पेस. तो ये तो यार बहुत ही ईजी मैम क्या बता रहे हो, तो छोटे बच्चों वाले हैं, है ना? यही बोल रहे होगे ना आप लोग, आगे वन बाय वन सब कुछ बताएंगे. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं. मैम ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, प्लस माइनस इनटू कौन नहीं कर लेता है मैम, ऑब्वियस ही बात है. पर मेरे को तो यार पूरा बताना पड़ेगा ना, तो पूरा बताने के लिए तो मुझे पूरा ही वन बाय वन सब कुछ बताना होगा.
तो 12 को डिवाइड करना है 3 से, कैसे करेंगे, इक्वल टू 4। ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया। 96 को इंटू करना है 3 से, इज इक्वल टू 288, ये तो समझ में आ गया। 78 को प्लस करना है 32 से, तो इक्वल टू 110, हाँ ये तो समझ में आ गया, क्लियर। फिर 89 और माइनस 56 क्या होता है, तो ये 33 होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, क्लियर ऑल द। तो ये थे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, क्या ही करना था इनमें। अब लॉगरिथमिक फंक्शंस में मज़ा आएगा, क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ नहीं है, इसके लिए तो आपको करना पड़ेगा मेहनत। तो यहाँ पर हम ना इस वाले फंक्शन को पहले समझते हैं, ये वाले फंक्शन को, लॉग वाले को। लेट सपोज मुझे 10 इंटू लॉग ऑफ 80 ये निकालना है। ओके, तो इसको निकालने के लिए मुझे पहले एंटर करना होगा 10 को, उसके बाद मुझे एंटर करना होगा इंटू को, राइट। उसके बाद जो लॉग के अंदर वाली वैल्यू होती है ना, दैट इज 80, यहाँ पे उसको एंटर करेंगे और फिर हम लॉग ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इक्वल टू को। ये सीक्वेंस होना चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शंस को करने के लिए, कि लॉग के अंदर वाली वैल्यू पहले करनी है। अब देखो इसको मैं कैलकुलेटर के हेल्प से करती हूँ, क्या है 10 इंटू लॉग 80 है, तो देखते हैं कैसे कर पाते हैं हम इसको। तो यहाँ पर मैंने लिखा 10 इंटू 80 पहले लिखना होगा, उसके बाद लॉग लिखेंगे और इक्वल टू सी द आंसर इज व्हाट। देखो मुझे निकालना तो यही था 10 इंटू लॉग 80, पर ये लिख कर कैसे आया, मुझे लिखना कैसे पड़ा 10 इंटू 80 पहले फिर बाद में लॉग। तो यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर कि लॉगरिथमिक कोई भी फंक्शन होगी तो उसके अंदर की वैल्यू को पहले लिखेंगे और लोगों को बाद में लिखेंगे, लोग बाद में ही आते हैं। ठीक है, तो 19.03 समथिंग ये निकल करके आएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में। अब क्लियर कर दो सबको, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया हमें कि लॉग वाला कैसे काम करता है। ठीक है मैम, अब बताओ यार दूसरा लॉग वाला कैसे काम करता है, ये वाले की बात करते हैं। ठीक है, लॉग बेस 2x। अब मान लीजिए कि मुझे है ना 89 को इंटू करना है लॉग बेस 2x 33 से। अब ये कैसे एंटर करवाएंगे, सेम वही कहानी, 89 को पहले एंटर करो, उसके बाद इंटू को एंटर करो, उसके बाद लॉग बेस 2x के अंदर की वैल्यू को, और फिर उसके बाद आप लॉग बेस 2x को, और लास्ट में इक्वल टू लिखना तो कभी भी मत भूलिएगा किसी भी सिचुएशन में। तो अब हम इसको परफॉर्म करते हैं कैलकुलेटर के हेल्प से, 89 इंटू लॉग बेस 2x 33। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू दिस। तो 89 एंड इंटू 33 और ये लॉग बेस 2x एंड इक्वल टू सी 448.95 समथिंग। तो मुझे यही तो निकालना था 89 इंटू लॉग बेस 2x 33, देखो निकल करके आ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा करो या बड़ा करो बात है। ओके, तो ये निकल करके आ गया हमारा दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन भी हमने कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इस पे चलते हैं ln। ये ln का काम क्या होता है, तो ये है ना बेस के लिए काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर काम करते हैं इसके लिए 33 इंटू ln और 96। अब इसको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले एंटर करना होगा 33 को, दूसरी बार एंटर करना होगा इंटू को, और यहाँ पर ना ln जब होता है ना तो उसके लिए भी हम उसके अंदर वाली वैल्यू 96 को पहले लिखेंगे और बाद में ही ln को लिखेंगे, एंड देन हम यहाँ पर इसको इक्वल टू लिख देंगे। ठीक है, सेम वही कहानी। तो 33 इंटू ln 96, तो क्लियर किया 33 इंटू ln, ln बाद में लिखेंगे, 96 पहले लिखेंगे अंदर वाली वैल्यू को और फिर ln इक्वल टू सी, ये देखो, और इसका आंसर क्या 150.62 समथिंग। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, सब में वही था। अब देखो मैंने ना लास्ट में ये क्यों बताया, ये मैं लास्ट में क्यों बता रही हूँ कि ये तीनों जो है ना वो सेम वही काम करते हैं, कि लॉग के अंदर वाली जो वैल्यू होगी उसको पहले लिखेंगे और बाद में लॉग को लिखेंगे। अब इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर निकालना है, लेट सपोज कि 38 इंटू लॉग बेस 5 और 88। अब देखते इसको कैसे एंटर करेंगे, तो पहले हमें 38 को एंटर करना होगा
उसके बाद हम इनटू को एंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना ब्रैकेट का यूज़ भी करते हैं, तो यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट होता है ताकि है ना कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो। और फिर अंदर वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे 88 को, यहाँ पे भी सेम। उसके बाद आप लिखोगे log y x को, यू नो ये वाली, जिसमें कि बेस कुछ भी हो सकता है, 5, 4, 8, 9, 2, 3 जो भी है। तो ये मैंने लिखा, और उसके बाद जो इसका बेस है ना उसको फिर लिखेंगे हम, दैट इज 5, एंड देन ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फिर हम यहाँ पर इक्वल टू को लिखेंगे। दैट इज द सिंपल थिंग। अब देखो इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से करते हैं तो किस तरीके से काम होता है। वैसे कहते हैं 38 इंटू लॉग 588, ओके। तो 38 इंटू और 88 को पहले लिख लेंगे, उसके बाद log y x को लिखेंगे और फिर बेस 5 को लिखेंगे और इक्वल टू लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे निकल कर के आया, हमने तो ब्रैकेट नहीं दिए इसमें। अभी आप देखना ये 5.04 आया, देखते हैं अगर अब ब्रैकेट लगाते हैं तो क्या होता है। तो 38 इंटू एंड यहाँ पे देखो कैसे हमने ब्रैकेट लगाया था, 38 इंटू के बाद ही लगा दिए थे, इसलिए यहाँ पे भी 38 इंटू के बाद ही हम ओपनिंग ब्रैकेट लगा देंगे। और अंदर थी वैल्यू 88, फिर था log y x और बेस 5 था, और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट फिर इज इक्वल टू सी। तो ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से ही आपको सही वैल्यू मिलेगी। तो ये आपकी सही वैल्यू है, ठीक है। सो ब्रैकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 105.7131 इज़ द राइट आंसर। तो इसमें आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता है, किसमें, इस वाले में जो नीचे हमने यूज़ किया है। आई होप लॉगरिथमिक फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, दैट इज साइन को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन को हम एक बार ही डिग्री मोड से करेंगे और एक बार ही हम रेडियन मोड से करेंगे। पहले ना हम डिग्री मोड से कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। लेट सपोज हमें 80 इंटू साइन और 33 डिग्री ये निकालना है। अब इसको हम किस तरीके से एंटर करेंगे, तो पहले हमें 80 एंटर करना होगा, दूसरा हमें इंटू, और यहाँ पे भी हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट, और फिर उसके अंदर साइन के अंदर जो वैल्यू होगी ना उसको पहले लिखेंगे, दैट इज 33, ओके 33 सिर्फ, ओके। एंड उसके बाद आपको साइन को लिखना होगा एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट को, और फिर लास्ट में तो यार इक्वल टू हम लिखते ही हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंस में आपको एंटर करना होगा, 80 इंटू 33 से पहले ब्रैकेट, फिर 33, फिर साइन, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट और फिर इक्वल टू। तो लेट्स सी इसका आंसर किस तरीके से निकल कर के आता है, दैट इज 80 साइन 33 डिग्री, ओके। तो क्लियर किया, 80 इंटू ओपनिंग ब्रैकेट 33 और साइन कहाँ गया, क्लोजिंग ब्रैकेट और इक्वल टू, तो दैट इज 43.57 समथिंग। तो सी 80 इंटू साइन ऑफ 33, और साइन डी का मतलब कि साइन डिग्री वाली बात हो रही है, कि डिग्री के हेल्प से आपने किया है, ओके। तो ये एक अच्छा चीज़ था हमारा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें रेडियन मेथड से करना हो, रेडियन मोड से करना हो, तो कैसे करते हैं। तो रेडियन मोड से मतलब कि पाई बाई डिग्री हट जाएगी। अब लेट सपोज 80 इंटू साइन पाई ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे एंटर करोगे। तो पहले 80 को लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे किसे, साइन के अंदर वाली वैल्यू को, दैट इज पाई को, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब फिर साइन को लिखोगे, पाई फिर साइन और उसके बाद इक्वल टू, तो ये तो और भी आसान हो गया, 80 इंटू साइन पाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हैं, और ये लिखा मैंने 80 और ये लिखा इंटू साइन पाई, में पाई को पहले लिखेंगे, अब पाई कहाँ गया, ये रहा, और साइन को बाद में लिखेंगे और इक्वल टू लिखेंगे। दिस इज 4.384। देखो 80 इंटू साइन और पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लिखी हुई है, राइट। सिंपल सी बात थी ये। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर लिए हैं यूजिंग रेडियन मोड भी और यूजिंग डिग्री मोड भी, वैसे कॉस टैन वगैरह का भी होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्यूब ऑपरेशन को, कि क्यूब ऑपरेशन किस तरीके से काम किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि 8 into 109 का क्यूब, ठीक है, 8 into 109 का क्यूब,
अभी इसे निकालना हो तो पहले हम 8 को एंटर करेंगे, उसके बाद हम इन 2 को एंटर करेंगे और उसके बाद हम 109 नंबर को एंटर करेंगे एंड देन हम एक्स क्यूब को एंटर करेंगे कि इसका मुझे क्यूब चाहिए और फिर इक्वल टू सिंपल। तो 8 इंटू 109 का क्यूब, ठीक है, लेट्स सी किस तरीके से करता है। तो 8 इंटू लिखा एंड देन जो 109 है उस नंबर को लिखेंगे और उसके बाद एक्स क्यूब और इज इक्वल टू दिस। सी 8 इंटू क्यूब ऑफ 109 दैट इज 1036032। सिंपल है। तो ये था आपका क्यूब ऑपरेशन। वैसे ही मुझे स्क्वायर ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, तो स्क्वायर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही। तो 33 इंटू 49 का होल स्क्वायर। अब इसे ब्रैकेट नहीं लगाना होता, ब्रैकेट लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, द आंसर विल बी सेम। तो पहले 33 को एंटर करेंगे और फिर उसके बाद इंटू को एंटर करेंगे एंड देन फिर 49 को, क्योंकि 49 का स्क्वायर निकालना है, और फिर एक्स स्क्वायर को एंड देन इक्वल टू। सिंपल है। 33 इंटू 49 का स्क्वायर, तो देखते हैं यहाँ पर, तो क्लियर किया 33 इंटू 49 और उसका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 79233। 79233 विल बी द राइट आंसर। तो ये था आपका एक्स स्क्वायर ऑपरेशन, दैट इज स्क्वायर ऑपरेशन। नेक्स्ट है पावर ऑफ 10 ऑपरेशन, दैट इज 10 की पावर एक्स। तो 10 की पावर एक्स को हम कैसे परफॉर्म करते हैं वो समझेंगे। तो 88, देखो 88 इंटू 10 की पावर 9। अभी इसे परफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे, तो पहले हम 88 को एंटर करेंगे, उसके बाद हम इंटू को एंटर करेंगे एंड देन हम एंटर करेंगे 10 की पावर को, दैट इज 9, एंड देन 10 की पावर एक्स ऑपरेशन को और फिर इक्वल टू लिख देंगे। तो 88 इंटू 10 की पावर 9, देखो कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर क्लियर किया 88 इंटू 10 की पावर 9 में 9 को पहले लिखेंगे और फिर 10 की पावर x इज इक्वल टू दिस। सी तो देखा आपने 88 के आगे 9 जीरो लगा दिए, वो तो ऐसे भी हमें पता था, पर हाँ कैलकुलेटर की हेल्प से उसको आप ऐसे कैलकुलेट करते हो। तो ये था पावर ऑफ 10 ऑपरेशन। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन, तो उसको समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल किस तरीके से वर्क करता है, दैट इज e की पावर x। एक्सपोनेंशियल आपका ये होगा e की पावर x, ये वाला ऑपरेशन, ठीक है, नॉट दिस वन। e की पावर x को हम समझते हैं कि लेट सपोज मुझे 88 इंटू e की पावर 33 कैलकुलेट करना है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स है दिखने में, भाई कैसे कैलकुलेट होगा तो हमको तो पता ही नहीं है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो कि पहले आपको 88 को एंटर करना होगा और उसके बाद आपको इंटू ऑपरेशन लिखना होगा, देन उसके बाद जो भी e की पावर में है दैट इज 33 यहाँ पर उसको लिख लीजिए एंड फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप e की पावर x लिख लो, जैसे 10 की पावर x किया था ना वैसे e की पावर x भी है। तो यहाँ पर 88 इंटू e की पावर 33 को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने 88 लिखा इंटू 33 को पहले लिखेंगे और e की पावर x को और फिर इक्वल टू सी, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे आपने देखा कि 88 और e की पावर x में पावर e में 33 है, तो उसको इंटू किया तो ये निकल करके आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम पहुँचे, e की पावर x हो गया, अब n फैक्टोरियल को समझेंगे कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। अब लाइक मुझे निकालना है 99 का फैक्टोरियल, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 5 का फैक्टोरियल निकालना होता है तो वो तो हो ही जाता है ना, छोटे छोटे नंबर्स तो हो ही जाते हैं, बट 99 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा। तो एंटर करना होगा पहले आपको 99 और उसके बाद n फैक्टोरियल और फिर थर्ड में आपको इक्वल टू, सिंपल है। तो 99 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, क्लियर करने पे 99 और n फैक्टोरियल और फिर इक्वल टू सी। तो देखो एक्सपोनेंट में कुछ वैल्यू आ रही है 9.33 समथिंग, तो दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 99, है ना, आप देख भी सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट ऑपरेशन, दैट इज मॉड ऑफ एक्स। ये कैसे काम करता है,
तो इसका बेसिकली काम ये होता है कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसको वो पॉजिटिव बना देता है। पर इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं, लाइक अगर मुझे इसे कैलकुलेटर की हेल्प से करना हो तो इसके लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो हम एंटर करेंगे क्या, पहले हम एंटर करेंगे ओपनिंग ब्रैकेट, सेकेंड में हम एंटर करेंगे माइनस, थर्ड में हम एंटर करेंगे 100 और फोर्थ में हम एंटर करेंगे क्लोजिंग ब्रैकेट और फिफ्थ में हमें मॉड ऑफ एक्स ऑपरेशन को यूज करना होगा और इसमें इक्वल टू सिंपल ये लिखना होता है। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं। तो लेट सपोज मुझे माइनस 100 का मॉड लेना है, तो पहले ओपनिंग ब्रैकेट, फिर यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे और उसके बाद हम 100 को लिख देंगे और फिर उसके बाद हम क्लोजिंग ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है। देन मॉड ऑफ एक्स ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे तो इज इक्वल टू 100 आएगा। देखा आपने, तो माइनस 100 का मॉड 100 ही होता है, क्योंकि मॉड का काम ही होता है कि माइनस को हटाना। बट यही काम अगर मैं विदाउट ब्रैकेट करूँ तो पहले मैं माइनस लिखूंगी, फिर मैं 100 लिखूंगी और उसके बाद मैं मॉड ऑफ एक्स ऑपरेशन लिखूंगी, तो ये है ना माइनस 100 आएगा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर, तो आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो आई विल कवर अप कि आपको ब्रैकेट्स का कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए, यहाँ पे यूज करना चाहिए, यहाँ पे यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज परसेंट ऑपरेटर, कि किसका क्या परसेंट है। लाइक आपको निकालना हो कि 88% ऑफ 1099, तो ये आप कैसे निकालोगे। तो ये निकालने के लिए पहले हम 88 को एंटर करेंगे, फिर हम परसेंट ऑपरेटर को एंटर करेंगे और उसके बाद हम 1099 को